जय हिंद। टेक्नो सेंस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक 3055 एम्पलीफायर का एक रिव्यू और इसको ओपन करके दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट दिया गया है। और दोस्तों, घर के लिए इस्तेमाल होने वाले ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है कम बजट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका रिव्यू। और जो लोग नया है, प्लीज़ मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो में लेकर आता हूं, जिसे देख के आप घर में ही छोटा मोटा काम कर पाएंगे। तो चलिए इस एम्पलीफायर को एक बार हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों, ये कोलकाता का बहुत ही फेमस कंपनी है, एंकर कंपनी का। और इसके साथ स्ट्रेंजर एम्पलीफायर भी आता है कोलकाता से, जो डीजे एम्पलीफायर बनाता है। और ये एंकर कंपनी के होम पर्पज़ के लिए ये एम्पलीफायर बनाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बेस ट्रेबल का ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे तीनों माइक का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और ये एम्पलीफायर 8 ट्रांजिस्टर पे है दोस्तों। और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे USB का कनेक्शन दिया गया, माइक्रो SD कार्ड भी आप डायरेक्ट इस पे चला सकते हैं। और इससे ब्लूटूथ का कनेक्शन भी है, और ये इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी काम करेगा। और दोस्तों, पीछे से इसको एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों, पीछे देखिए यहाँ पे, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से 8 पीस 3055 का ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3055 ट्रांजिस्टर दिया गया है। और इसका हीट सिंक भी बहुत काफ़ी मोटा है, जिसे ट्रांजिस्टर को हीट करने से रुकेगा और ख़राब नहीं होगा। और यहाँ अब देखिए, 4 स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे 8 ohms का 4 स्पीकर लगा सकते हैं। और ये CD aux का इनपुट कनेक्शन दिया गया है, इससे आप किसी भी सिग्नल को बजा सकते हैं। और यहाँ पे AC कॉर्ड वगैरह फ्यूज सब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये एम्पलीफायर अब हम इसको ओपन करके दिखाएंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, मैंने जो स्पीकर बॉक्स बनाया था उसका भी साउंड टेस्ट बाकी है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं कर पाया हूँ। वो वीडियो भी बहुत जल्द मेरा इस चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया ओपन एम्पलीफायर, आप देख सकते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं। तो ये हो गया ओपन, आप देख सकते हैं अंदर में काफ़ी सारे कंपोनेंट दिया गया है दोस्तों। इसको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर ओपन हो चुका है। और कैमरे को मैं थोड़ा यहाँ से लेके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका 3055 एम्पलीफायर का जो ये मेन सर्किट बोर्ड है। और काफ़ी वीक साइज का ट्रांसफार्मर भी दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये 5 वाट का 1 ohms का रेजिस्टेंस दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर दिया गया है 4 लेफ्ट और राइट के लिए, BD140 और BD139 का जो दिया गया है ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे 5408 का डायोड के साथ ये 2 कैपेसिटर दिया गया है, 3300 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का। और दोस्तों, ये सब इकोनॉमी प्राइस में देते हैं, इसलिए पावर सप्लाई को और बेहतर नहीं दिया पॉसिबल होता है। तो आप चाहे तो इस पावर सप्लाई को कैपेसिटर और डायोड चेंज करके हैवी बना सकते हैं। और दोस्तों, ये इसका मेन ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 18018 का ट्रांसफार्मर है। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तीनों वायर है दोस्तों, ये वाइट और ये ब्लू, ब्लू कॉमन है और ये वाइट, दोनों 18 वोल्ट का है, 18018। और ये 2 ब्लैक वायर 12 0 का है, जो यहाँ पे USB के चलाने के लिए 7805 का जो रेगुलेट IC है 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, इससे 5 वोल्ट आउटपुट लेके USB पे सप्लाई दिया जाएगा, जिसे USB रन करेगा।
और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको फॉलो करना है, वो है दोस्तों यहाँ पे जो 3055 का ट्रांजिस्टर है, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के साथ एक ट्रांजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन किया गया है, और फिर जो 8 ट्रांजिस्टर है 4 लेफ्ट के लिए और 4 राइट के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे स्पीकर आउटपुट सॉकेट 2 चैनल आके और 2 चैनल के साथ पैरेलल कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप स्पीकर यूज करें तब अगर आप 4 दे तो 8 ओम्स का यूज करें, और अगर 2 दे तो 4 ओम्स का यूज करें, नहीं तो ओम्स मैचिंग सही नहीं होगा। और यहाँ पे इको सर्किट बोर्ड आप देख सकते हैं, इस एम्पलीफायर पे माइक्रोफोन के साथ आप इको भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे 2 वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है इको को कंट्रोल करने के लिए, जो इस एम्पलीफायर की एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये मेन वॉल्यूम कंट्रोल है आप देख सकते हैं 47K का, और यहाँ पे दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल है ये भी 47 का दिया गया है, और मेरे हिसाब से वॉल्यूम कंट्रोल को 47K ही देना चाहिए, कुछ लोग 100K भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं होगा, और बेस्ट रिवेल के लिए आप 100K यूज कीजिएगा, वही बेहतर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे USB और DVD का ये स्विच का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप एक चलाएंगे तो दूसरा ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे USB का कनेक्टर यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ microSD डायरेक्ट इस पर कनेक्शन होगा, यहाँ पे डिस्प्ले के साथ शो करेगा आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये लेफ्ट ऑडियो सेक्शन है एक चैनल के लिए, ये दूसरा चैनल के लिए राइट चैनल के लिए, और ये दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे सर्किट पावर सप्लाई का, और ये लेफ्ट वेस्ट रिवेल सर्किट है, और दोस्तों यहाँ पे राइट वेस्ट रिवेल सर्किट है। तो दोस्तों आप चाहे तो ये एम्पलीफायर आप घर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 3055 के एम्पलीफायर आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांड में है, कम बजट में ये एम्पलीफायर काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है अगर आपको स्पीकर का क्वालिटी अच्छा हो तो। और दोस्तों आप चाहे तो किसी भी 3055 और किसी भी एम्पलीफायर को आप गेन को बढ़ा सकते हैं, और उसका बेस पंचिंग का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसको पावर सप्लाई को डेवलप करके। तो मैं यहाँ पे 2 4700 माइक्रोफैट का कैपेसिटर, और यहाँ पे 3 एम्पेयर के जगह में 6 एम्पेयर का D6A46 एम्पेयर का डायोड लगाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस एम्पलीफायर को मॉडिफाई करके दिखाऊंगा इसको। और अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।